कैलाश नगर कुरुद स्थित नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल तक बच्चों का पहुंचना काफी मुश्किल हो गया है। बच्चे रोज स्कूल तक पहुंचने वाले जर्जर मार्ग से होकर गुजरते हैं, जिससे आए दिन कोई न कोई बच्चा दुर्घटना का शिकार हो रहा है। भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 21 कैलाश नगर कुरुद स्थित नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल के विद्यार्थी इन दिनों बरसात के मौसम को लेकर खासी परेशानी में है, क्योंकि अटल आवास की तरफ से आने वाला रास्ता कई छोटे छोटे तालाबों में तब्दील हो गया है और इन तालाबों से होकर बच्चों को स्कूल तक पहुंचना और रोज परेशानियों का सामना करना इनकी मजबूरी बन गई है। और इस ओर ना तो स्कूल प्रबंधन का ध्यान है, ना ही नगर पालिक निगम भिलाई का और ना ही शिक्षा विभाग का। ऐसे में अब दोष दिया जाए तो किसे। एक तरफ भिलाई को शिक्षा धानी भी कहा जाता है और एक स्कूल का पहुँच मार्ग इस तरह से जर्जर होना कहाँ तक सही है। पूरा भर जाता है, बाजू से जाते हैं, कभी कभी वो भी रास्ता नहीं रहते। नहीं बस बहुत पहले पलट के घुटने तक पानी का आता था, फिसल गया था। मेरा नाम आन सिंह है, मेरा दोस्त युवराज सिंह चंदेल नाम का, मैं साथ जा रहा था। पानी था पूरा गिरा वाला, टायर डूब गया, एक करीब करीब 20 बहुत हम लोग आ नहीं पाते, पूरा हमारा कपड़ा वपड़ा गंदा हो जाता और कल गिर भी गया था। नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता भी इस दुविधा में रहते हैं, आज बच्चा स्कूल सुरक्षित पहुंच पाएगा या नहीं। जल्द ही शासन प्रशासन को इन समस्याओं को संज्ञान में लेकर कोई ठोस हल निकालने की जरूरत है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आने जाने में सहूलियत मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।